खुशकिस्मत हैं आज चार मीनार और मक्का मस्जिद के दामन में गरीबों के बीच में जो है गेट का केक काटकर उनका 61वां जो है सालगिरह मना रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से उनको मुबारकबाद दूंगा और कासर के जो है अल्लाह से दुआ करूंगा उनको और ज्यादा उम्र दे, लंबा उम्र दे। दिनों में रियासती आंध्र पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार लाने में उनकी जो जद्दोजहद है और ज्यादा जो है आवाम के साथ उन्होंने आवाम के इश्यूओं को लेकर जो है जरूर जो एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार लाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रहेगी और उनको जो है मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा और खासकर जो है जितने भी यहाँ पर अर्बन के बच्चे थे जो जो लोग जो है अनाथ बच्चे थे उनके दरमियान में जो है काटना एक बहुत ही जो है कि मिसाल उन्होंने कायम किया और जो है उनको मैं मुबारकबाद देते हुए फिर एक बार यहाँ के जितने भी ऑर्गेनाइजर से इरफान भाई और जो है हमारे गौस भाई के फर्जन और जो है जो भी जितने भी यहाँ के कांग्रेस के वेंकटेश भाई, प्रवीण भाई, हमारे प्रभाकर भाई, जितने भी लोग आए, साबिका डिप्टी मेयर राजकुमार जी, सबको जो है मैं उनको वही मुबारकबाद देते हुए जो इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने आगाज किया, यहाँ पर इनॉग्रेशन किया, बर्थडे केक काटने का मौका उनको दिया, खासकर जो है मक्का मस्जिद के दामन में मैं समझता हूँ ताकि तारीखी हैदराबाद में ये पहला इशू होगा, फिर इसके बाद में कोई एक मिसाल लेंगे। लेकिन ये तो मैं जब से देख रहा हूँ सियासत में करीब जो है 35 साल से मैं MLA 5 बार 4 बार MLA था, अभी तक कोई भी मक्का मस्जिद के दामन में केक काटे नहीं, वो अल्लाह का पूरा जो है दुआ उनका आशीर्वाद रहेगा। चार मीनार के दामन हिस्टोरिकल चार मीनार से काटना है बहुत ही खुशी की बात है और उनको मैं फिर एक बार मुबारकबाद देते हुए उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस खुशी के मौके पर उन्हें भी कुछ अल्फाज पेश करें। जय हिंद। आज इस दामन चार मीनार के दामन में मेरे 60 साल मुकम्मल और 61वीं सालगिरह के इंतजाम किए और इंतजाम में भी ज़्यादातर यतीम असीर आरफन बच्चों को जो गरीब हैं और साथ ही साथ यतीम असीर हैं, कुछ लोग कुदरती तौर पर कमज़ोर हैं, उन मासूम बच्चों को आज स्कॉलरशिप के ज़रिए फी बच्चे को 500 रुपये के साथ और उनके कपड़ों का जो इंतज़ाम किया गया है उसके लिए मैं इरफान और इनके तमाम यहाँ के आए हुए साथियों को दानम नागेंद्र साहब ने कहा कि सिटी या ओल्ड सिटी से लेकर न्यू सिटी के तमाम हमारे हिंदू मुस्लिम तमाम भाइयों का मैं शुक्र अदा करता हूं, मेरे चाहने वालों का और कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। ख़ास तौर पर जर्नलिस्ट भी इतनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के लोग आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा मकसद मैं समझता हूं कि 1997 में मुझे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें नक्सलाइटों ने बॉम्ब लगाए कामारेड्डी पे, जो 6 लोग स्पॉट में मर गए, मैं और मोहतरम बागा रेड्डी साहब मरहूम हम दोनों बच गए। मैं जब ही अल्लाह से ये मैं शुक्र अदा किया और मुझे ये उम्मीद थी कि अल्लाह जले जलाऊ मुझे यहाँ फिर से दोबारा ज़िंदगी बख्शी है, इससे कोई मकसद होगा और मैं वो मकसद मुझे पता चल रहा है कि आज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की वजह से जिसमें कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी राजशेखर रेड्डी साहब और अमेरिक काविशों से आज 4% से 20 लाख बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर MBA MCA एडवोकेट्स तमाम हायर एजुकेशन वर्कर हिंदुस्तान में नंबर 1 पोजीशन पे लाए हैं। मिसाल यही है हैदराबाद आंध्र प्रदेश के, आप जानते हैं कि ये मक्का मस्जिद है, 8-9 साल पहले मक्का मस्जिद में जब भी जुमा की नमाज होती थी कुछ शरपसंद बच्चे फतरे मासूम बच्चे उनको पता भी नहीं था कि पत्थर लेना और पुलिस पे मारना या किसी पे मारना, लेकिन आज लोग वरगला के पत्थर मारो बोल के पैसे भी दिए तो पैसे उनके मुंह पे फेंक कर कह रहे कि हमें पत्थर नहीं चाहिए हमें कलम चाहिए, कलम कलम की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब मजहब की सियासत की नहीं डेवलपमेंट की सियासत की बात करते हैं। आज चार मीनार के दामन से जो गुजरने वाली मेट्रो रेल के बारे में लोग याद कर रहे हैं, तो ये लोग चाह रहे हैं कि हमको मजहब में मत बांटा करो, हमारे अमन से चैन से महात्मा गांधी की जो शांति है
जो कांग्रेस पार्टी के जो सिद्धांत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आज राहुल गांधी जिस तरीके से मुल्क भर के अंदर हमारे हिंदू भाई भी है। मेरे बाजू में दानम नागेंद्र साहब सिटी पहले के हमारे मिनिस्टर भी रहे, चार दफा MLA भी रहे, अक्सरियत इलाके में मुस्लिम से नामपल्ली से कंटिन्यू जीत किया है। तो ऐसे लोग है, यही कांग्रेस की तारीख है कि एक तरफ नागेंद्र साहब है, एक तरफ शब्बीर साहब है, यही हमारी गंगा जमुना तहजीब को बरकरार रखने के लिए। आज का मेरा पैगाम है कि आइए भाइयों, हम कुरान की पहली आयत इखरा बिस्मिका रब्बिकल अज़ीम पढ़ो, पढ़ने की तालीम का आज हम सब आहद करते हैं। हर बच्चे को हम तालीम सिखाएंगे, किसी को पत्थर नहीं देंगे, किसी को टेरिस नहीं बनाएंगे, किसी को गुंडा मौला नहीं बनाएंगे, बल्कि तालीम को दिलाने के लिए हमारा मन धन लगाकर उन बच्चों को उन मोहल्लों में उन गलियों में तालीम को आम करेंगे। यही हमारा आज का पैगाम। 15 फरवरी को चार मीनार के दामन में तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के बीच में हमने इस जो पेडेस्टियन का जो यहाँ पे वाका बनाए, ये जो ये भी प्रोग्राम कांग्रेस की तरफ से रखा गया था, इसी का उद्घाटन के जैसा करते हुए हमने मोहम्मद अली शब्बीर साहब की सालगिरह आज मनाई, जिसमें बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर मज़हब के भाई यहाँ पे जमा हुए, और साथ ही साथ आर्फनेज के मासूम यतीम बच्चे आर्फन बच्चे भी यहाँ पे आए, लड़के लड़कियाँ इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिए। आप लोग जैसे देखे, उनको स्कॉलरशिप दी गई, कपड़े दिए गए, केक दिया गया, स्नैक्स दिए गए। ये तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक हमारी नीयत थी कि मासूम बच्चों के साथ कुछ करें। शब्बीर अली साहब का इरादा था कि अमीरों के साथ सब खुशियाँ मनाते हैं, मैं गरीब के साथ मनाऊँगा, क्योंकि मैं भी उनको अपना भाई और गरीबों की तकलीफ़ समझता हूँ। क्योंकि शब्बीर अली साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, भूख को फांसी दो, उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बताया गया था कि किस तरीके से गरीब मुसलमान बिलक बिलक के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। हम समझते थे कि मुसलमान सिर्फ मुसलमान है, धोबी, पत्थर फोड़ने वाले, रिंच पकड़ने वाले, साबुन बनाने वाले, ऐसे काम हमारे लोग नहीं करते। मगर हकीकत यह है 70% से ज़्यादा हमारी मुस्लिम आबादी छोटे कामों में करते थे, मगर उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। दो धोबी धोबी घाट पर काम करते, 24 घंटे एक ही जगह पर रहते, सिर्फ 5 मिनट के लिए वो मंदिर को जाता और ये है सो मस्जिद को जाता। मंदिर को जाने वाले धोबी को बैकवर्ड क्लास के अंदर SC ST के अंदर रिजर्वेशन मिला, मगर ये जो हमारा मुसलमान धोबी था मस्जिद जाने वाला, उसको नहीं मिला। तो इसी को मद्देनज़र में रखते हुए शब्बीर अली साहब ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई और कैबिनेट के सामने इसको रखा। YS राजशेखर रेड्डी साहब ने इसी डॉक्यूमेंट्री से इम्प्रेस होकर BC कमीशन का क़ायम किया और इमीडिएट वादा किया कि हम 4% रिजर्वेशन देंगे, और सिर्फ 1.5 महीने के अंदर उन्होंने 5% रिजर्वेशन दिया। बाद में कोर्ट ने कहा कि रिजर्वेशन कभी भी 50% से बढ़ना नहीं चाहिए, ये 51% हो रहे थे, तो शब्बीर साहब ने अपनी हिकमत से काम लेते हुए वो 5 को 4 कर दिए और 50% करके आज मेरे जैसे नौजवान आपके सामने ठहरे हैं, जो तालीम याफ्ता है, एजुकेटेड है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, एडवोकेट्स है, पायलट्स है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स है, इंटरप्रेन्योर्स है, NRIs है, इंटरनेशनल जगह पे काम कर रहे हैं। तो मैं यही बात शब्बीर साहब जब मेरे को बोले कि मियाँ ये जो यतीम बच्चे हैं इनको भी हमारे साथ सेलिब्रेशन में करेंगे, ताकि इनको मालूम हो सके कि ये यतीम नहीं है, इनके साथ मोहम्मद अली शब्बीर है, इनके साथ कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी इनके सिर पे हाथ रखेंगी और इनकी तालीम के अंदर, इनकी तरक्की के अंदर, भले कोई भी मज़हब के हों दो, उनको आगे बढ़ाएंगे, और हमारे माइनॉरिटीज़ को ख़ास तौर पे जो बहुत पीछे हैं उनको आगे बढ़ाएंगे, अवेयरनेस करेंगे और बराबर उनको आगे बढ़ाएंगे। ये खुशी की बात है, चार मीनार के तारीखी मक्का मस्जिद और चार मीनार के बीच में हम खड़े होकर बात कर रहे हैं। तो हम सब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि मोहम्मद अली शब्बीर साहब को उम्र दराज करे, आमीन, और मोहम्मद अली शब्बीर साहब को सेहत दे, आमीन, मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हम हिंदू मुस्लिम सबके ऊपर कायम रखे, और मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक सिंबल है, एक आइडियल है हिंदू मुस्लिम एकजहती का, उनको
सहयोग दे और उनको कामयाब करे, और उनकी कामयाबी में ही हमारी माइनॉरिटीज की कामयाबी है, कांग्रेस पार्टी की कामयाबी है, और कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से आगे बढ़े पुराने शहर की तरक्की के अंदर इंशाल्लाह ताला। हम इसी तरीके से मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हिलाते रहेंगे और यहाँ के मसाइल हल करते रहेंगे। फिर से एक बार मैं आप सबका, तमाम का यहाँ पे आए मौजूद सबका मैं शुक्र अदा करता हूँ। मैं सबको शुक्रिया करता हूँ, फर्दन मीडिया के भाइयों का, मेरे ऑर्फनेज, हमारे बास ऑर्फनेज के, और हमारे रामा मैडम भी आए थे वो भी, और दूसरे भी मदरसे के बच्चे आए थे उनको भी, सबको शुक्रिया, मेरे मीडिया भाइयों का शुक्रिया, पुलिस वालों का शुक्रिया, डीसीपी सत्यनारायण साहब का शुक्रिया जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे हमको परमिशन दी यहाँ पे काम ये प्रोग्राम करने के लिए। फिर से मैं शब्बीर अली साहब की लंबी उम्र की दुआओं के साथ साथ, नेक तमन्नाओं के साथ साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस।